सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा यह है कि मनुष्य की जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसका क्या, क्या कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है जो पूरी कभी नहीं हो? भगवान ने कहा है कि मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है, जो वो मरने के समय स्मरण करता है, उसके अनुसार से ही उसका जन्म होता है, उसके अनुसार से ही वह शरीर ग्रहण करता है ताकि उसकी वह इच्छा पूरी हो सके। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं करीब करीब सभी पूरी हो जाती है। जब तक पूरी नहीं होती है वो समय, अब समय की बात है कितने समय में पूरी होगी, समय तो मनुष्य निर्धारित नहीं कर सकता, ईश्वर ही निर्धारित करते हैं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उसके पूरे होने में उसकी इच्छा को हो सकता है कई जन्म लग जाए, अगले जन्म में हो जाए, ऐसी जन्म में मिल जाए, तो इच्छा तो पूरी होती है, लेकिन कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। वे इच्छाएं जो ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है वे पूरी नहीं हो सकती। मनमाना आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, वह यहाँ के नियम के हिसाब से होने चाहिए। नियम के हिसाब से है अथवा नहीं है या तो ईश्वर ही जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ही समय में 10 आदमी इच्छा करते हैं, 10 आदमी चुनाव लड़ते हैं, हर आदमी इच्छा करता है कि मैं सांसद बन जाऊं, 10 आदमी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि इस बार मैं सांसद बन जाऊं, लेकिन कोई बनता एक ही है, बाकी लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती है। हो सकता है कि उसकी कभी आगे पूरी हो, लेकिन उसी बार पूरी हो यह संभव नहीं होता, यह तो किसी एक की ही इच्छा पूरी होती है। तो बाकी जो इच्छा है, बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी इच्छा तो धरी रह गई, तो ईश्वर की जो इच्छा है, ईश्वर की इच्छा बस उस एक के लिए थी तो वह पूरी हो गई, सारे के लिए नहीं थी, तो ईश्वर जिसको चाहे श्रेय दे दे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यूं तो आपकी इच्छा, उसमें जितने भी उम्मीदवार थे उनकी वह इच्छा थी, तो इच्छा तो अवश्य ही पूरी होगी, इस बार नहीं अगली बार होगी, यहां नहीं वहां होगी। हाँ, अगर ईश्वर ही ना चाहे या ईश्वर की ही कोई दूसरी योजना हो तो बात दूसरी है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी इच्छा मात्र ही हो जाना उसके पूरे होने का हुआ नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि चलिए आप कर्म करते रहिए, फल देना ना देना, कितना देना कितना नहीं देना, कब देना कब नहीं देना, यह तो ईश्वर के हाथ में है। तो आप प्रयास कर सकते हैं और अपनी कामना कर सकते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती होती है, निश्चित ही होती है। कामना जिसकी जितनी बलवती होती है, जितने हिसाब से उसने योजना बनाई होती है, जितने सब कारकों का अध्ययन किया होता है, उसके हिसाब से जितना उस पर काम किया होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पात्रता ज़्यादा हो जाती है, और पात्रता के हिसाब से ही वहाँ
न्याय संगत व्यवस्था हो जाती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सभी पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आता है। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसके लिए तो जितने पात्र हैं वे ही आपस में प्रतियोगिता करेंगे। उनमें से जो ईश्वर के लिहाज से ज्यादा पात्र होगा, हमारे और आपकी गणना से नहीं, ईश्वर की गणना से, क्योंकि सारा हिसाब तो उन्हीं के पास है, आगे पीछे का हर चीज का हिसाब सबका उन्हीं के पास है। तो इसलिए उनकी गणना के हिसाब से, उनकी बुद्धि उनकी योजना के हिसाब से जो योग्य होगा, उनके न्याय के हिसाब से जो योग्य होगा वही प्राप्त करेगा। तो इस विषय में इतना ही है। हरिओम।